हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? तो गुंजन की रसोई में आपका स्वागत है। तो हमने आप लोगों के लिए आज क्या बनाया है, आइए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया है और गरम हो गई है। तो एक थोड़ा सा कटोरी भर सूजी लिया है, इसको हम भूंज लेंगे। और इसको सूखा भूंज रहे हैं, इसमें घी और रिफाइंड या कुछ भी हमने नहीं डाला है। इसलिए इसको सूखा भूंज रहे हैं कि इसको सूखा भूंजने के बाद ये लाल हो जाएगी थोड़ा सा। तो भूंज के हमको उसको रख दिए ठंडा होने के लिए। दूसरी तरफ ये पपीता लिए हैं एक ठो, इसको भी काट ले रहे हैं। तो ठंडी हो या गर्मी हो, पपीता बहुत पेट के लिए फायदेमंद होता है। और इसको सब लोग खाने में भी अच्छा लगता है, सब खाते भी हैं। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर ले हमने आज इसके लिए इससे क्या बनाया है आप लोगों के लिए। कितना अच्छा पपीता है, फो एक भी बिया नहीं निकला। ऐसे पपीते अच्छे होते हैं, जिसमें बिये कम होते हैं वो पपीता बहुत अच्छा होता है और बहुत मीठा होता है। तो एक एक पपीता करके इसको हम छील ले रहे हैं चाकू की सहायता से। और बीच बीच का जो हिस्सा ये वाइट वाइट दिख रहा है, इसको भी हम निकाल देंगे। ताकि जो है ये देखो निकाल लिए हैं, निकालने के बाद बगल रख दिए हैं। तो सूजी जो है थोड़ा सा जो भूंज के हम रखे थे ठंडी होने के लिए, उसको ठंडी हो गई। तो उसको मिक्सी में सूखा ही भूंजे हैं, पीस के निकाल लिए। सूखा ही भूंजे थे, पीस के देखिए निकाल लिए थोड़ी सी। उसके बाद ये देखिए पपीता हमने सारा काट लिया है। काटने के बाद थाली में रख लिए। और ये पपीता को बिल्कुल धुलना नहीं है पानी में, नहीं तो इससे बहुत सारा पानी हो जाएगा। पपीता पानी होता ही है। तो समूचा पपीता आप धुल लीजिएगा, धुलने के बाद उसको छीलिएगा। छीलने के बाद जो है इसी तरह काट के रख लीजिएगा। इसको हम पीस के निकाल लिए। देखिए पेस्ट कितना बढ़िया आया है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। ये देखिए पपीता पीसने के बाद देखिए कितना अच्छा कलर आया है। उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालेंगे। घी आप कम खाते हैं तो कम डालिएगा, ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डालिएगा, वो आपके ऊपर है। और उसी घी में हम एक गरी का बुरादा है डाल दे रहे हैं। और बढ़िया से ये लाल हो जाएगा थोड़ा सा गरी का बुरादा। तो जो हम सूजी को पीस के रखे थे उसी घी में डाल के उसी के सहायता से हम इसको भी चला देंगे। और सूजी भूंजी हुई है और देखिए अब कितना अच्छा कलर आया, एकदम सब लाल हो गया है। तो ये थोड़ा सा नीचे गाढ़ा है पपीता ना, पीस के रखे थे, रखने के बाद थोड़ा रख दिए गाढ़ा हो गया। अब इसको उसी में हम डाल के चलाते रहेंगे। और सूजी और गरी का बुरादा भूंजे थे तो सूखा, जब इसको डालिए तो गैस धीमा करिएगा। देख लीजिए पता नहीं चल रहा है किस चीज़ में है ये। और उसमें एक कटोरी चीनी डालेंगे, मीठा आप अपने अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हमने एक कटोरी चीनी डाला है ताकि थोड़ा मीठा रहे। इसलिए पपीते की बर्फी किसको किसको खाना पसंद है आ जाइए आप लोग। तो हमारे यहाँ तो सबको बहुत पसंद आई थी। आप लोग को पसंद आएगी कि नहीं आएगी ये तो कमेंट करेंगे आप लोग, तब पता चलेगा ना कि किसको किसको पपीते की बर्फी पसंद आई थी और किसको किसको पपीता खाना पसंद है। वही लोग कमेंट करेंगे, नहीं सब लोग डिसलाइक कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक थाली में घी लगा दे रहे हैं नीचे। इसको ठंड का मौसम है, अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि हम इसमें जमाएंगे नहीं निकलेगा पपीता, तो एक बात और जान लीजिए, अगर जमा देते हैं नीचे थाली में नहीं निकलता है तो आप लोग एक पन्नी लीजिए, पन्नी थाली में रख दीजिएगा, उसी पन्नी में इसको जमा दीजिएगा। लेकिन हम तो इसमें घी लगा के जमाए हैं क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है बनाने और की, तो हमारा तो निकल आएगा। अगर आप लोग को ऐसा लगे कि नहीं निकलेगा पलटने के बाद, क्योंकि पपीता जो है कहाँ सूखेगा, सूजी थोड़ी सी है ना, थोड़ा पतला हो जाएगा। इसको बना के देखिए रख दिए, पतला भी है। तो आप लोग को लगे कि नहीं निकलेगा तो आप लोग पन्नी में फैलाए उसमें घी लगाई बराबर से पलट दीजिए, चाकू से काट लीजिए। तो ये देखिए हमको मालूम है कि ये 2-3 घंटा हम इसको रख दिए थे सेट होने के लिए, तब ये सेट हो गया होगा। इसलिए कि अभी हम इसको चारों तरफ से निकाले भी नहीं है, लेकिन हमको अंदाज़ा हो गया कि ये 4-5 घंटे में सेट हो गया है। तो इसको चारों तरफ से बराबर हम काट दे रहे हैं। जो भी आपको शेप देना हो दे दीजिए, बर्फी का चाहे पेड़े का चाहे इसे चारों तरफ से बड़े बड़े टुकड़े ही काट दीजिए, जो इच्छा हो आप। ये देखिए तो एक एक पीस काट के हम दिखाए हैं आप लोगों के लिए। तो इसको आराम से धीरे धीरे हम नीचे से देखिए एक एक करके निकाल रहे हैं थाली में। देखिए ठंडी का मौसम है तो थाली में जो चिपक तो जाएगा ही पपीता है थोड़ा सा, भाई पपीता मुलायम भी होता है। तो
ये देखिए हम एक एक करके धीरे धीरे से निकाल रहे हैं, तो सारी बर्फी हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद इसमें हमने ऊपर से कुछ भी नहीं डाला है। आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पिस्ता डाल दीजिए, काजू बादाम डाल दीजिए, जो जो इच्छा हो आप वो डालिए, गरी का बुरादा वो डाल दीजिए। मेरे पास सब कुछ था लेकिन हमने कुछ नहीं डाला है, सिंपल ही रखा है, इसलिए कि ये देखने में जब इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी अच्छी होगी। और बढ़िया बनी थी, आप लोग सिंपल और सरल थे, इसमें कुछ भी मिलावटी नहीं है। आप लोग इस तरह बनाइएगा, खाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगे। प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिएगा। बाय दोस्तों।